Namaskar, my name is Partha Mitra and you are watching Indic Overlander। आज सुबह सुबह हम निकल पड़े एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप में। हम जा रहे हैं विष्णुपुर जा रहा है। वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह है उसको देखने के लिए, मेनली माँ छिन्नमस्ता का मंदिर वो देखने के लिए जा रहा है। और हमारे जैसे कि हमने सुंदरबन में गया था पूरा फैमिली, ये भी इस टाइम भी हम पूरे फैमिली जा रहे हैं। बाकी सब एक कार बैरकपुर से, एक बिराटी से ऑलरेडी निकल पड़े हैं और हम सब जाके मिलेंगे डानकुनी टोल प्लाजा पे, वहाँ पे मिलेंगे, फिर एक साथ हम चल पड़ेंगे विष्णुपुर की ओर। सो हमारे साथ बने रहिए, हम हमारी आंखों से विष्णुपुर दर्शन कीजिए और होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये छोटा सा ट्रिप। अगर अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। डानकुनी टोल प्लाजा से एक साथ फुल फैमिली निकल पड़े हैं। नेक्स्ट स्टॉप विल बी शक्तीगढ़ सीसीडी। ओह सीसीडी, ओके, वी विल हैव सम ब्रेकफास्ट देयर एट सीसीडी। मेरे पीछे मेरे साले साहब दिख रहा है और उसके पीछे बड़ी साली साहिबा दिख रहा है। और अभी हम जा रहे हैं सीसीडी और अगले ट्रिप में मैं जिमनी लेके ड्राइव करके चलूंगी। अच्छा, तो एंश्योर दैट उसके पहले जिमनी मेरे को मिल जाए और मैं ड्राइविंग थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है? तो बर्थडे गिफ्ट इज माय जिमनी। हमारा पूरा फैमिली अभी हम सीसीडी में आए हैं टू हैव सम क्विक ग्राब। लेट्स सी, ये देखो कौन है, ये छोरी। अभी हम सीसीडी में हैं। मेरा ऑल थ्री कार्स आर पार्क्ड हियर। ये बड़ी साली साहिबा अपनी गाड़ी लॉक कर रही है। अभी सब अंदर गए, मैं थोड़ा सा बाहर आया आप लोगों को कॉफी डे का आजू बाजू दिखाने के लिए। रेड थार मेरा है, उसके बाद मेरा साले साहब का बलेनो एंड बड़े साली साहिबा का वैगनर। एंड दिस इज जस्ट adjacent to the Durgapur Expressway। सब खाने का ऑर्डर कर रहे हैं भाई, देखो ये चल रहा है हम लोगों का सीसीडी में ब्रेकफास्ट। अरे तुम तीनों बहनें एक जगह बैठो ना। अब देखो तीनों बहना एक जगह पे। हाय, बच्चों की टोली। हेलो किडोस, हेलो किडोस, हाय। ये सबसे छोटी बच्ची ये है मम्मी। मम्मी का बेटा, दामाद, मम्मी का पतिदेव। हेलो डैडी, हेलो मम्मी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके निकल पड़े हैं नेक्स्ट स्टॉप के ओर, जो कि कहाँ पे हम नेक्स्ट खड़े होंगे? शक्तिगढ़ में अपनी शक्ति की प्रदर्शन करने के लिए। शक्तिगढ़ में शक्ति का प्रदर्शन, हाँ, टेस्टिंग होता है क्या? चलो वहाँ पे जाके लंगचा खाना असली हो जाएगा। लंगचा, लंगचा सच में पूछ वाले में, हाँ, साबुन लंगचा नहीं खा के छोड़ेगा नहीं बोला। उसको मिठाई खाने का मौका ज्यादा मिलता नहीं है ना, इसलिए मुझे लंचा खाना। आप भी खाना राणा बोल रहा है लौटते वक्त लेंगे, लौटते वक्त दोबारा खाएंगे। अभी हम लंचा शहर से लंचा खा के निकल पड़े हैं विष्णुपुर के लिए। अभी हम चले विष्णुपुर, सामने राणा दादा, पीछे मोंटी दीदी, और इनमें एक छोटा सा मिसाब भी हो गया। मैं इको ब्रदर शॉप ऑन फेल ऑन द रोड, गॉट लिटिल बिट ऑफ छोटा मोटा चोट लगा, बट आई हैड ट्रॉमा किट सो आई कुड डू ऑल द नेसेसरी फर्स्ट एड। चलो चलते हैं। ये कौन सा नदी है? लिखा है बाकुड़ा मोड़, ये देखो। अभी बाग रोड लिया है, उत्तोवन से लेफ्ट टर्न लिया, लेके आरामबाग रोड पकड़ा। ये रोड हमें विष्णुपुर तक ले जाएगा, लेकिन कौन सा है हमें पता नहीं है, कहीं पे लिखा भी नहीं है। पढ़ के बताऊं, देखते हैं आगे कुछ लिखा है क्या। पोलेमपुर, लेकिन नदी का क्या नाम है? कृषक सेतु, बट नदी का नाम लिखा नहीं है, सेतु का नाम लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, एक नदी क्रॉस किया हमने। अभी आगे चलते हैं। क्योंकि ये रास्ता, छोटा रास्ता देखने से ही मैं थकान आ जाता अपने आप। रिवर, हाँ, ये है द्वारकेश्वर रिवर, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। पूरा रिवर में यही से बालू सब निकाल रहे हैं लोग, पूरा पानी ड्राई हो गया, पूरा पानी ड्राई हो गया और पूरा बालू ही भरा हुआ, कुछ नहीं है। अभी हम जा रहे हैं जयपुर के जंगल के अंदर से। जयपुर, जयपुर इस एरिया का नाम है जयपुर, लेकिन बंगाल में है ना? हाँ, बंगाल में है। बंगाल वाला जयपुर। यहाँ पे हिरण का बहुत सारा मार्किंग दिख रहा है मुझे, लेकिन दिख नहीं रहा हिरण, बट हाँ, टू हॉट, बहुत गर्मी है ना। जंगल सुंदर है लेकिन, है ना? हाँ जंगल तो सुंदर है। तेरे को खाना खाना क्यों बोल रहा है तू? घना है। घना है? हाँ। और मुझे सुना खाना है। This is the best part of the journey, I believe. जब भूख जोर से लगी है। पेड़ वाला एरिया बहुत ज्यादा सुंदर है। बहुत सुंदर लग रहा है। आउच। ओके। हम स्वीट हम इस पेड़ में हिरन दिख भी गया तुमने। सोच को लगने का। देखते रहो जंगल के अंदर ताकते रहो। मेरे को लगा था पर मुझे लगता लकड़ी है। हाँ सब ब्राउन ब्राउन है ना, हिरन भी ब्राउन है। Like I will camouflage myself. You guys can find me. Bonusri Resort. कुछ होता है पागल बंदे ये कुछ साइड पर गाड़ी पार्क करके अंदर चले जाते हैं। देखो भाई सुंदर जगह है, अगर किस्मत से एक हिरन दिख गया तो हिरन दिखने के लिए आंखें खुश हो जाएंगे। आपको वर्क करना चाहिए, उनके वर्क नहीं करना। मेरे को सब एक ही दिख रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है, तीन आ रहे हैं। 1 2 3 अभी बहुत गर्म है, जब उन लोग निकलेंगे नहीं। आरनॉक पिको रिसोर्ट, बहुत सारे रिसोर्ट्स भी है इसके अंदर है। जंगल रिसोर्ट्स होगा ना, जंगल है तो जंगल रिसोर्ट्स होगा। बीच में छोटे छोटे पाथवेज देखा मैंने, दो जगह जो अंदर जाने के लिए। फिर आ गया 1 2 3 ऐसे। दूसरे बार हम जब यहाँ से क्या कहते हैं वो झालोंग से जब हम लोग मूर्ति आ रहा है तो ऐसे ही जंगल के अंदर से आए थे मूर्ति में, तो वो जंगल बहुत ज्यादा घना था। हाँ। और थोड़ा डरावना भी था, और हम लोग शाम को गुजर रहे थे, याद करो। डर लग रहा था कि गाड़ी अगर कहीं कुछ हो गया तो नहीं, मुझे तो डर लग रहा था हाथी का। वो ड्राइवर दादा बोल नहीं रहे थे कि कुछ दिन 2 दिन पहले ना 1 दिन पहले भी एक हाथी ने आकर के एक तो औरत को कुचल दिया था। हम विष्णुपुर एंटर कर रहे हैं। ये देखिए गेट दिख रहा है मुझे, विष्णुपुर का गेट। आर्टिस्टिक बोलो। हाँ, एकदम देख के ही लग रहा है कि विष्णुपुर का ही ये है, एप्ट है। टेराकोटा स्टाइल में गेट था, ब्यूटीफुल। हम अंदर घुस के यहाँ से अभी फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन होगा होटल, फिर लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, नहा धो के शाम को मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। अभी होटल मेरे ख्याल से 10 मिनट 12 मिनट पे पहुँचना चाहिए। आखिर हम विष्णुपुर टूरिस्ट लॉज पहुँच ही गए और अपना गाड़ी को पेड़ के नीचे छाव में पार्क कर दिया। अभी सामान निकाल के रूम में जाने का तैयारी करना है। ये होटल का रिसेप्शन पता नहीं, अभी सब लोग तो टॉयलेट जाने जाते हैं। अभी हम अपना रूम की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं। कंधे पे अपना बैग है तो चलने में थोड़ी तो दिक्कत आती है, भारी है बैग। ये है होटल की बार, हालांकि हमारे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई है इसमें, लेकिन ठीक है हाँ घुसा दे अपना सामान। ये स्विंग है, बच्चों को शाम को दे कैन एंजॉय हियर। किसमें 15 ये अपना रूम इधर है, ऑल रूम्स। बगल वाला ये बात किसका मुझे पता नहीं है। This is one gate. हाँ मेरे को पता नहीं कौन किस तरह किधर घुस गया। गार्डन ये मेन एरिया। चौरा हमारा 15 हो गया 5 मिनट। 115 साले साहब का हाँ। और कहाँ है रूम? हमारा रूम कितना कितना है? 114, 15, 12, 13, 14, 15। देखिए तुम अच्छे वीडियो नहीं ये है बाथरूम जो सबसे पहले देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी होटल स्टे। सरकारी हिसाब से दिस इज गुड इनफ। श्री अपने रूम में है, लास्ट रूम में बाथरूम। तो मुँह दो कि जल्दी चले खाने। मुँह दो ना आओ तो है चल चल बेरो हाँ ওই কোণার রুমে এই ঘরে ছিল এই ঘরে দিয়েছো বলো কিছু না ডাল আলু ভাজা ভাত আলু পোস্ত খালি প্লেট বড় বড় পেটা आलू है बात करो। साले साहब मुझे सर्व कर रहा है। आई एम सो ऑनर्ड। इंस्पेक्टर साहब मुझे सर्व कर रहे हैं। आई एम ऑनर्ड। देखो चिकन सर्व हो रहा है। वाओ थैंक यू। कैमरा प्लेट में लगता है सबसे ज्यादा चिकन मैं ही खाने वाला हूँ। दो मेरे प्लेट मेरे सामने है। सब प्लेट की तरफ देखो। लगता है पूरा 9 दिन नहीं खा के आए थे, पूरा खाना खत्म कर दिया। कहाँ पे एक प्लेट में दाना तक नहीं है। এটা হলো পোড়ামাটির হাট, বিষ্ণুপুর পোড়ামাটির হাট। ये सब बाजार बैठा हुआ है। हम अभी माँ छिन्नमस्ता का मंदिर में आए हैं उनकी दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। यह आने की खास वजह यह था कि मेरी सासू माँ का माँ की दर्शन और उनकी पूजा करने का जो इच्छा था उसकी पूर्ति करने के लिए। अभी सब पूजा दे रहा है, हम माँ की तरफ मुंह करके वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि पंडित जी ने बताया कि माँ की तस्वीर या कोई वीडियो घर में रखना नहीं चाहिए, वो उचित नहीं होता है, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं करके वीडियो नहीं बना रहे। उधर पिंक ऑन माई राइट साइड पिंक ड्रेस में ये मेरी सासू माँ बैठी हुई है, उनका पूजा देना हो गया। और इधर मेरे ससुर जी भी खड़े हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे ससुर जी, वो भी खड़े हैं, उनका भी पूजा देना हो गया। The speciality of क्योंकि अभी हमारा घूमना भी हो गया, माँ का दर्शन भी हो गया, पूजा भी दे दिया, अभी हम होटल वापस जाएंगे, डिनर करेंगे एंड वी विल रिटायर फॉर द डे, ताकि हम कल सुबह फिर से एकदम फ्रेश मिजाज में, फ्रेश मूड में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग खाने के लिए आया है, बट प्लेट्स आर ऑल एम्प्टी, द फूड इज येट टू कम। नाउ वी गॉट आवर फूड पार्शियली। ये है मटन एंड रोटी, बच्चों के लिए अभी आएगा मटन बिरयानी। ये आ गया मटन बिरयानी।